वाह पिताजी वाह, आपने अपने कुल खानदान की मर्यादा के लिए एक जवान बहू को विधवा बना देना चाहते हो। तुमने वचन देते समय ये नहीं सोचा कि मेरी कल परसों शादी हुई है, मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। अगर आपको दान देना ही था तो मुझे ब्याह कर क्यों लाए थे? मेरी जवान उम्र बिना पति के कैसे कटेगी? तुम हमारे प्यार को क्यों बखेर देना चाहते हो? मेरा श्रृंगार, मेरा सुहाग मुझसे मत छीनो, मत छीनो पिताश्री, मत छीनो। सिंह की
पिताश्री क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? बेटे धीर धज, मैंने आज साधुओं के वचनों में बंध कर तुम्हें सिंह की भेंट में चढ़ाने को तुम्हें दान में दे दिया है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है पिताश्री? बेटे धीर धज, हमसे ज्यादा अब तुम पर तुम्हारी पत्नी लाजवती का अधिकार है और लाजवती तुम्हें दान में देना नहीं चाहती। लाजवती? जी स्वामी। क्या तुम हमारे कुल खानदान की मर्यादा को मिटा देना चाहती हो? तेरे बिन जीना कैसे संसार में होगा, अरे तेरा मारा मिलना हर के द्वार में होगा। तेरे बिन जीना कैसे संसार में होगा, तेरा मारा मिलना हर के द्वार में होगा। सती वीर ने हो से हरदम हो, सती वीर ने हो से हरदम आस प्रीतम की, भगवान के दफ्तर में हो दरख्वास प्रीतम की। अपने खून अपने मन ने ते पहला मेरी नाड़ काट जा,
समान पाट जा। राजा नल की ढाल में रेते बीच में नाट जा। जो सती वीर होरी मद जो बन की जाल डाट जा। सती वीर हो मद जो बन की जाल डाट जा। मेरा मदनावत की ढाल वीर की आज्ञा ते हो। सती वीर की आज्ञा ते तुमको सुदगति मिले। भगवान हमारे भारत में सबने सुदमति मिले। इब के मर के वीर बनू ते तू ही पति मिले। तेरी इच्छा हे दानी मोरध्वज, क्या तुम अपनी रानी से सलाह ले आए? जी हाँ महाराज, मैं अपने दिए हुए वचनों को निभाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कुछ समय की और मौलियत चाहता हूं। अब क्या बात है राजन? महाराज, मेरे इकलौते सुत धीरध्वज को चीरने के लिए एक आरे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बाड़ी के पास से आरा लेकर आता हूं। ठीक है राजन। बाड़ी के, आज मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम पड़ गया है। हे राजन, ऐसा वो कौन सा काम है जिसके लिए आपको मेरे यहां आना पड़ा? मुझे ही दरबारों में बुलवा लिया होता। जहां काम सुई करे वहां कहा करे तलवार। बाड़ी के, मुझे एक पैनी धार का आरा चाहिए। लेकिन क्यों महाराज? मन ठीक बताओ राजन, क्यों चाहिए तुमने आरा? तेरे आरे ते बाड़ी के चीरेंगे बेटा प्यारा। मन ठीक बताओ राजन, क्यों चाहिए रत्ता
साची बात से चंगी कुछ बात जमी ना दिल में के अड़ी मुसीबत जंगी आरे की जरूरत भारी साधु आए सतसंगी आरे की जरूरत भारी साधु आए सतसंगी राजन वे साधु नहीं स्वादु जो अपने शेर की भूख को मिटाने के लिए राजकुल के इकलौते चिराग को बुझा देना चाहते हैं। महाराज मैंने आपका नमक खाया है, आप मेरे बेटे को चीर कर उन साधुओं के शेर को जिमा दीजिए और अपने कुल के दीपक को बचा लीजिए। महाराज पुत्र से प्यारी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, आपका सेवक होने के नाते मैं आपको एक सलाह देता हूं। की ए रजा लखत
करण का चाव तने, दान करण का चाव तने। दलना सुने पिता मैं तारी, सुने पिता मैं तारी। बेटे जैसी चीज जगत में मिलती नहीं उधारी, रे उधारी तम दोनों नास करण पे तुल रे, दिल ते दया बिसारी, दिल ते दया बिसारी। करण का चाव तने, दान करण का चाव तने। आज सफाया कुल काया सफाया, ऐसा ही करना था तो क्यों शादी करके ले आया। एक अभला बेचारी का तन जीवन नरक बनाया, जीवन नरक बनाया। करण का चाव तने, दान करण का चाव तने। नर नारी खुशी मना रे, नर नारी खुशी मना रे। हिना के बड़ार तरके फूट रहे महकारे। हीर मोती जवाहरात के दान दिए बड़े भारे, दान दिए बड़े भारे। करण का चाव तने, दान करण का चाव तने। तू आज हलाल करा ले, आज हलाल करा ले। भगवान दास सतगुरु कहे तू
का सिरज माले, संतों का सिरज माले। कल्याण सिंह तू राज बचा ले, दबो दई चुनाव तने। ओ मैं अपने सतने दे दूंगा जो दान करन का चाव तने, दान करन का चाव तने। दान करण का चाव तने, दान करण का चाव तने। ये आप क्या कह रहे हो महाराज? मैं और मेरी रानी विद्याधरणी खुद अपने ही हाथों से अपने बेटे को चीरेंगे? हां राजा मोरध्वज, तुम्हें अपना बेटा अपने हाथों से ही चीरना होगा। और हमारी एक शर्त और है, अगर बेटे को चीरते समय राजा और रानी की आंखों में आंसू आ गए तो हमारा शेर तुम्हारे बेटे के मांस का भोजन नहीं करेगा और आप वचनहार हो जाओगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। रानी विद्याधरणी, आज हमारे धर्म की नैया मझधार में है, मेरी नैया को पार लगाने में तुम्हें जी कैड़ा करना होगा और अपनी मरम आत्मा को मारकर बेटे के प्यार को भुलाकर मेरे साथ सुत को चीरना होगा। डटती को ना
महाराज, आरा हाथ में उठाइए और अपने दिए हुए वचनों को निभाइए। मैं आपके साथ बेटे को चीरने के लिए तैयार हूँ। आ
साधु महाराज, आपको दिए हुए वचनों के अनुसार हमने अपने बेटे को चीर दिया है। आप अपने शेर को हमारे बेटे धीरधज के मांस से जिमा कर आप भी भोजन कर लीजिए महाराज। पुत्र हाजिर है साधु जी, शेर जमाने संत तुम हो जाओ तैयार भोजन खाने को, संत तुम हो जाओ तैयार भोजन खाने को। पुत्र हाजिर है साधु जी शेर जमाने को, संत तुम हो जाओ तैयार भोजन खाने को, संत तुम हो जाओ तैयार भोजन खाने को।
भोजन खाने को। हे राजन, हम इस तरह भोजन नहीं करेंगे। क्यों महाराज, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसके कारण आप दानी के हाथों का भोजन नहीं करना चाहते? राजा मोरध्वज, हम तो तुम्हारे बेटे धीरध्वज के साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। ये आप क्या कह रहे हो महाराज? आपकी आंखों के सामने अभी हमने अपने बेटे को चीरा है, जिसकी काया 5 तत्वों में विलीन हो चुकी है, और आप कह रहे हैं कि हम उसके साथ ही भोजन करेंगे। हे राजन, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस धीर ध्वज के साथ बैठ के खावेंगे हम खाना।
पड़ जा टोना। उस धीर ध्वज के बिना भूख हम भोजन खाम कोन्या। पांच तत्व में मिला पूतड़ा मुश्किल पड़ जा टोना। हर थारे बेटे बिन भोजन हो गावे कार्ज माना हो, हो, हो। तामर ध्वज के साथ बैठ के खावेंगे हम खाना। चला गया जो दुनिया तेरे, चला गया जो दुनिया ते वो नहीं लौट के आना। हो, 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 हो धीर ध्वज के साथ बैठ के। ध्वज के साथ बैठ के खावेंगे हम खाना। चला गया जो दुनिया ते वो नहीं लौट के आना। हो, हो, धीर ध्वज के साथ बैठ के। हमारे संग में तमदानी राज मोर ध्वज नहा चुके धर्म की गंग में। अनहोनी कर रहे संत जी इव तम हमार संग में। रंग में भंग करो मत राजन, रंग में भंग के साथ बैठ के खावेंगे हम खाना। चला गया जो दुनिया तेरे, चला गया जो दुनिया ते वो नहीं लौट के आना। हो, 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 हो उस धीर ध्वज के साथ बैठ के। औलाद बिरानी ऋषि पाल थोड़ी मंजिल रहे गई मोर ध्वज दानी। दुखिया करे दिल दुखिया का करके औलाद बिरानी। सत्य की कहानी पूरी हुई रे, सत्य की कहानी पूरी हुई कृष्ण ने लिया बहाना। ध्वज के साथ बैठ के खावेंगे हम खाना। चला गया जो दुनिया तेरे, चला गया जो दुनिया ते वो नहीं लौट के आना। हो, हो, धीर ध्वज के साथ बैठ के। महाराज आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो? आप तो हमारे साथ बिल्कुल अनहोनी कर रहे हैं। भला अब हम
अपने पुत्र को कहां से लाएं जो आपके साथ भोजन कर सके। एक ही तो आंखों का तारा था, उसे भी आपकी आंखों के सामने हमने चीर दिया। हे दानी मोरध्वज, आप एक बार अपने पुत्र धीरध्वज को आवाज तो लगाओ। धीरध्वज सुन लाल मेरे, कही तू सुनता होते आजार, मात पिता तेरे व्याकुल है तू इनकी धीर बंधा जा रे, मात पिता तेरे व्याकुल है तू इनकी धीर बंधा जा रे। धीर धज सुन लाल मेरे, सुनता हो तेरा जा रे, मात पिता तेरे व्याकुल है तू इनकी धीर बंधा जा रे, मात पिता तेरे व्याकुल है तू इनकी धीर बंधा जा रे। मुसीबत झेल पर तुझको सुख दिया बेटा, मात पिता की ओर तने क्यों मुख मोड़ लिया बेटा, हमसे मोह छोड़ के किस घर नाता जोड़ लिया बेटा। क्यों जग छोड़ समझा जा रे, मात पिता तेरे व्याकुल है तू इनकी धीर बंधा जा रे, मात पिता तेरे व्याकुल है तू इनकी धीर बंधा जा रे। आज तलक ते मारे हुक्म को कभी नहीं टाला बेटा, जल्दी आमत वार करे क्यों चक्कर में डाला बेटा, साधु उल्टे चले जाए तो हो जागा चाला बेटा। पिता तेरे व्याकुल है तू इनकी धीर बंधा जा रे, मात पिता तेरे व्याकुल है तू इनकी धीर बंधा जा रे। मारे घर ते उल्टी फिर जावे बेटा, करी कराई मेहनत सब पे कार चली जावे बेटा, जब तक तू ना आवे साधु भोजन ना खावे बेटा। God।
मेरा कुल है तू, इनकी धीर बंधा जा रे। हंसता और खेलता बालक माँ की गोदी में आया। भगवान दास सतगुरु कहे फिर सबने मिल भोजन खाया। देव फूल बरसान लगे सब नगरी में आनंद छाया। कल्याण सिंह के हर पिता तेरे व्याकुल है तू, इनकी धीर बंधा जा रे। मात पिता तेरे व्याकुल है तू, इनकी धीर बंधा जा रे। धीर धज सुन लाल मेरा की सुनता हो दया जा रे। मात पिता तेरे व्याकुल है तू, इनकी धीर बंधा जा रे। मात पिता तेरे व्याकुल है तू, इनकी धीर बंधा जा रे। हे महाराज, आप कौन हैं और ये मेरा पुत्र संसार सत्ता में विलीन होने के बाद भी जीवित कैसे हो गया? हे दानी मोर ध्वज, अगर आप बूझना ही चाहते हो तो सुनो, मैं कृष्ण हूं और ये मेरे साथ अर्जुन है और ये माया रूपी शेर हमारे साथ है। हे भगवान, तो मेरी इतनी कड़ी परीक्षा लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी? हे राजन, अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो, मुझे तुम्हारी परीक्षा की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इस अर्जुन के भ्रम और अभिमान को दूर करने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। हे मायाधारी, मेरी तो आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आप भविष्य में अपने किसी भी प्रिय भक्त की इस प्रकार की परीक्षा मत लेना।